Warning. The following content may contain elements that are not suitable for some audiences. Viewer discretion is advised. दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम दो स्कैंडिनेवियन लड़कियों लुइसा जेफरसन और मैरिन यूलेंड की दिल दहला देने वाली कहानी को कवर करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको विचलित कर सकती है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिए। बात 17 दिसंबर 2018 की है, जब 24 साल की लुइसा जेफरसन और 18 साल की मैरिन यूलेंड की सर कटी लाशें इमिल विलेज के पास माउंट टुबकिल की पहाड़ियों में पाई गई। जेफरसन और यूलेंड दक्षिण पूर्वी नॉर्वे विश्वविद्यालय में स्टूडेंट थे, जहां उन्होंने टूर गाइड बनने के लिए नेचर गाइड का अध्ययन किया। जेफरसन की माँ के अनुसार यह दोनों दिसंबर में ट्रैकिंग के इरादे से मोरक्को पहुंची थी, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। बताया जाता है जिन चार लोगों ने लुइसा और मैरिन की हत्या की, उन्होंने इस घटना से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उनकी तरफ से ISIS आतंकवादी संगठन के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा ली गई थी। जबकि मोरक्को आमतौर पर पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है। 17 दिसंबर 2018 की सुबह फ्रेंच हाइकर्स को लड़कियों की सरकटी लाशें उनके टेंट में मिली और इस भयानक मंजर को देखकर उन्होंने पुलिस को इसकी खबर दे दी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें तंबू में एक आईडी मिली जिस पर अब्दुल रहीम ख्याली का नाम लिखा था और उसे एक संदिग्ध के रूप में तुरंत पकड़ लिया गया। बताया जाता है अब्दुल रहीम ख्याली अपनी आईडी उस वक्त उस टेंट में भूल गया था जब उसने और उसके तीन साथियों ने उन दो लड़कियों का कत्ल किया था। तीनों अतिरिक्त आरोपियों अब्दुल समय आजाद, राशिद अफीती और यूनिस ओइजाद को भी पास वाले शहर से हथियार के साथ पकड़ लिया गया। ये चारों हत्यारे किसी विदेशी की तलाश में थे ताकि वो उन्हें कत्ल कर अपना पैगाम अल्लाह के दुश्मनों तक पहुंचा सके। तभी उनकी नजर लुइसा और मैरिन पर पड़ी और उन्होंने उनका पीछा शुरू कर दिया और फिर अंधेरा होते ही उन्होंने अपने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। बताया जाता है इन चारों हत्यारों ने लड़कियों को कत्ल से पहले उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। फिर दोनों ने लड़कियों का सरकलम किया और इस भयानक मंजर को कैमरे में भी कैद कर लिया। हथियारों में से किसी एक ने बाद में इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये वीडियो आज भी इजी गूगल सर्च से ढूंढा जा सकता है, पर इस वीडियो को देखने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। जब इस घटना की खबर लुइसा और मैरिन की फैमिली को दी गई तो मानो उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जहां पर किसी परिजन के मर जाने पर लोग दुख जताते हैं, वहीं कुछ लोगों ने मैरिन की माँ के फेसबुक अकाउंट पर लुइसा और मैरिन के कटे हुए सर की पिक्चर्स पोस्ट कर दी। उस वक्त उस माँ के दिल पर क्या बीती होगी, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लुइसा और मैरिन की अंतिम यात्रा उनके अपने अपने शहरों में निकाली गई, जहां लाखों लोगों ने इस अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया और अपना शोक जताया। लोगों ने इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। मोरक्को की पुलिस ने सभी हत्यारों को कोर्ट में पेश किया और जुलाई 2019 को तीनों हत्यारों को मौत की सजा दी गई और अब तीनों हत्यारे अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी कहानी लुइसा जेफरसन और मैरिन यूलेंड की। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।